हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लेमेलिडेंस, जिसको फ्रेश वाटर म्यूसल भी बोलते हैं। इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं, इसका फाइलम मोलस्का होता है, ये सिलोमेट होते हैं। इनकी बॉडी अनसेगमेंटेड होती है, इनमें इनकी जो बॉडी होती है वो सॉफ्ट होती है और मेंटल से कवर्ड होती है। और ये जो मेंटल होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का सेल सीक्रेट करता है, और इनका जो मेंटल होता है उसमें विसरल मास और फूड प्रेजेंट होता है। इनकी क्लास होती है पैलासाइफोडा, और ये बाइवॉल्विया भी बोलते हैं उसको। इनमें बाइलेटरल सिमेट्री होती है, और इनकी जो बॉडी होती है वो लेटरली कंप्रेस्ड होती है, और इनमें इनडिस्टिंक्ट हेड होता है। इनका ऑर्डर यू लैमेली ब्रैंकिया होता है, और इनमें रेस्पिरेशन के लिए गिल्स या उसको टेनेडिया बोलते हैं, जो कि डब्ल्यू शेप के होते हैं। और इनका जीनस लेमेलिडेंस या एनोडोंटा होता है। इनके हैबिट एंड हैबिटेट की बात करते हैं, ये फ्रेश वाटर में रहते हैं, और जो कॉमन इंडियन स्पीशीज़ है वो लेमेलिडेंस मार्जिनलिस है, जो सी का जो बॉटम होता है उसमें सैंड होती है, उसमें बरीड रहते हैं ये। और ये अपनी बॉडी का जो पोस्टीरियर टिप है, पोस्टीरियर एंड है, उसको जो सैंड है उसे एक थोड़ा सा बाहर एक्सपोज करके रखते हैं, ताकि जो एक्सहेलेंट साइफन और इनहेलेंट साइफन से जो वाटर करंट की एंट्री और एग्जिट हो वो हो सके। और ये कोई भी रिस्पॉन्स होता, जो भी कोई भी स्टिमुलाई होती है उसके उससे रेस्पोंड करते हैं। और इनका रेस्पॉन्स क्या होता है, ये अपना फूड विड्रॉ कर लेते हैं, और इनमें ये जो एक्सहेलेंट और इनहेलेंट साइफन है उनको बंद कर लेते हैं, और इनमें फिल्टर फीडिंग मैकेनिज्म होता है। इनकी मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं, इनकी जो बॉडी होती है वो अपन देखते हैं एक्सटर्नली कैसे दिखती है। इनकी बॉडी होती है वो शेल से कवर्ड होती है, इनके ऊपर जो कैलकेरियस कवरिंग होती है जिसको अपन क्या बोलते हैं, शेल बोलते हैं। और ये सेल कौन सीक्रेट करता है, मेंटल सीक्रेट करता है। और ये जो सेल होता है उसके अंदर जो सॉफ्ट बॉडी होती है वो अनक्लोज होती है, और ये जो सेल है वो क्या है, एक्सोस्केलेटन है। और ये सेल मदर ऑफ पर्ल का फॉर्मेशन करने के लिए, डेकोरेटिव आइटम्स और बटन का फॉर्मेशन करने में यूज़ किया जाता है। इस सेल में, ये इस पिक्चर में तो दिख नहीं रहा, इसमें क्या होते हैं, दो सिमिलर कॉन्वेक्स वॉल्स होते हैं। ये जो सेल होता है ये इधर आपको दिख रहा है, ये एक सेल एक वॉल्व है, और इसके दूसरी तरफ क्या है, दूसरा वॉल्व है। और ये जो दोनों वॉल्व होते हैं, इस तरफ वाला और उस तरफ वाला, ये दोनों डॉर्सल मार्जिन पे जॉइंट होते हैं एक दूसरे से विद द हेल्प ऑफ हिंज लिगामेंट, जो यहाँ पे दिख रही है। और ये जो दोनों सेल होते हैं वो इक्वी वॉल्व होते हैं। ये जो वॉल्व है दोनों सेल के वो क्या है, इक्वी वॉल्व है, मतलब उनका जो साइज़ है वो सेम होगा। जो जितना बड़ा लेफ्ट साइज लेफ्ट वॉल्व होगा उतना ही बड़ा जो राइट वॉल्व है वो होगा। और जो सेल की वॉल्व होती है उसके जो एंटीरियर पार्ट होता है वो स्लाइटली क्या होता है, रेज्ड होता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, एम्बो बोलते हैं। तो एम्बो एम्बो क्या है, ये जो सेल वॉल्व है उसका जो एंटीरियर पार्ट होता है वो क्या होता है, स्लाइटली रेज्ड होता है। और ये एम्बो क्या होता है, ये जो सेल है उसका ओल्डेस्ट पार्ट होता है। और इस पे क्या होते हैं, ये आप देख पा रहे हैं क्या होती है, कंसेंट्रिक लाइन्स होती हैं, और ये लाइन्स डिनोट करती हैं सेल की ग्रोथ को। फिर ये जो आप देख पा रहे हैं, ये जो लेमेलिडेंस है उसके जो पोस्टीरियर पार्ट है, यहाँ पे क्या होते हैं, एक एक्सहेलेंट और इनहेलेंट साइफन प्रेजेंट होता है, जिनसे क्या होता है, ये दो शॉर्ट ट्यूब्स होती हैं, इनसे वाटर करंट की एंट्री और एग्जिट होती है। इनहेलेंट साइफन से एंट्री होगी और एक्सहेलेंट साइफन से वाटर करंट का बाहर एग्जिट होगा। और ये जो इनहेलेंट साइफन होते हैं वहाँ पर क्या होते हैं, कीमोरिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, पैपिले प्रेजेंट होते हैं, जो इनकरेंट वाटर आ रहा है उसके टेस्ट को पता करने के लिए। ये जो सेल वॉल है वो मेंटल की बॉडी से कुछ मसल सेट के साथ अटैच होती है। इसमें जो एंटीरियर बॉडी है उसकी, उसमें तीन मसल सेट होता है, जैसे आप देख पा रहे हैं, ये एंटीरियर प्रोटेक्टर मसल होता है, और ये एंटीरियर रिट्रैक्टर मसल होता है, और एंटीरियर अबडक्टर मसल होता है। और इसकी जो पोस्टीरियर एंड होता है उसमें वो सिर्फ दो ही मसल सेट से अटैच होती है, जैसे आप देख रहे हैं, ये पोस्टीरियर अबडक्टर मसल और ये पोस्टीरियर रिट्रैक्टर मसल। और यहाँ पे क्या होती है, ये जो एंटीरियर और पोस्टीरियर मसल्स होते हैं उनको अटैच करने की एक लाइन होती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, पेलियल लाइन। जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं, ये क्या है, पेलियल लाइन है। और ये पेलियल लाइन क्या करती है, एंटीरियर और पोस्टीरियर ये जो मसल है इनको अटैच करती है। फिर आप ये देख पा रहे हैं, ये क्या है, हिंज टूथ है, और ये हिंज लिगामेंट है। ये हिंज लिगामेंट तो अभी अपने पिछले डायग्राम में देखा था, हिंज लिगामेंट क्या होते हैं, जो जो दो सेल वॉल होते हैं उनको डोर्सल मार्जिन पे जो अटैच करते हैं वो क्या होते हैं, हिंज लिगामेंट होते हैं। और ये जो हिंज टूथ होते हैं इसकी बॉडी में, ये ब्लेड लाइक प्रोसेस होते हैं, और ये क्या करते हैं, जो दो सेल सेल के जो वॉल्स होते हैं उनको ये लॉक करके रखते हैं। ये क्या करता है, हिंज टूथ एक तो एंटीरियर साइड में प्रेजेंट होते हैं, एक पोस्टीरियर साइड में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये क्या करेंगे, लॉक करके रखेंगे दो सेल वॉल को। तो ये अपन क्या करते हैं, जैसे अभी अपने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि जो सेल होते हैं उसमें दो वॉल्व होते हैं, वो बाई वॉल्व होते हैं। तो अपन उसका अगर राइट सेल वॉल्व देखें तो अपन को वहाँ पे कुछ ऐसे उसके मार्क्स दिखेंगे, स्कार्स दिखेंगे। तो ये जो स्कार है वो क्या है, एंटीरियर प्रोटेक्टर मसल के स्कार है, और ये एंटीरियर रिट्रैक्टर मसल के स्कार है, और ये एंटीरियर अबडक्टर मसल के स्कार है। और ये हिंज टूथ और हिंज टूथ देखे अपने, एंटीरियर और पोस्टीरियर प्रेजेंट होते हैं जो लॉक करके रखते हैं दोनों वॉल को, और हिंज लिगामेंट होता है ये अपन ने देखा, ये क्या करते हैं, ज्वाइन करके रखते हैं दोनों वॉल को। और ये जो एंटीरियर और पोस्टीरियर मसल है वो पेलियल लाइन की हेल्प से क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। और जो पोस्टीरियर पार्ट है वहाँ पर सिर्फ दो सेट ही प्रेजेंट होते हैं मसल के, पोस्टीरियर रिट्रैक्टर मसल और पोस्टीरियर अबडक्टर मसल। और ये अपन ने देखा, ये जो राइट सेल वॉल्व है उसका इंटरनल सरफेस।
नेक्स्ट जो शेल होता है वो थ्री लेयर से बना हुआ होता है। जो अपर मोस्ट लेयर होती है वो पेरिओस्टाकम होती है, उसके नीचे प्रिस्मेटिक लेयर होती है और सबसे नीचे वाली जो लेयर होती है वो नेक्रे होती है। जो पेरिओस्टाकम लेयर होती है वो किससे बनी हुई होती है, कॉनक्यूलिन से बनी हुई होती है जो कि एक प्रोटीन होता है। फिर ये जो प्रिस्मेटिक लेयर होती है वो कैल्शियम कार्बोनेट की क्रिस्टल से बनी हुई होती है। फिर ये जो नेक्रे होता है इसमें ये जो लेयर दिख रही है वो क्या होती है, ऑल्टरनेट कॉनक्यूलिन और जो कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल हैं उसकी बनी हुई लेयर है। पहले कॉनक्यूलिन प्रोटीन है, फिर उसके नीचे कैल्शियम कार्बोनेट की क्रिस्टल लेयर है, फिर से कॉनक्यूलिन प्रोटीन है और फिर से कैल्शियम कार्बोनेट की क्रिस्टल की लेयर है। तो ऐसे ऑल्टरनेट लेयर है। मेटल है वो भी थ्री लेयर्ड होता है, उसमें भी थ्री लेयर होती है। जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है वो नेक्रे सिक्रेटिंग लेयर होती है, जिसमें नेक्रे सिक्रेटिंग सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो नेक्रे का सिक्रेशन करते हैं, पर्ल फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। फिर इसके नीचे कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होती है, फिर उसके नीचे सीलिएटेड एपिथीलियम की लेयर होती है। और ये जो सीलिएटेड एपिथीलियम की जो लेयर होती है वो क्या करती है, उसमें म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो म्यूकस का सिक्रेशन करते हैं। फिर जो पर्ल फॉर्मेशन होता है उसकी प्रोसेस देखते हैं। अभी अपन ने देखा था जो शेल में होती है वो क्या होती है, ये क्या होती है, नेक्रे लेयर होती है। फिर इस नेक्रे लेयर के नीचे मेंटल की लेयर होती है, नेक्रे सिक्रेटिंग लेयर होती है जो क्या करती है, नेक्रे का सिक्रेशन करती है। तो जब कोई भी फॉरेन बॉडी होती है, जैसे कुछ भी मान लीजिए सैंड हुआ, पैरासाइट हुआ, तो ये सेल और मेंटल की ये जो लेयर होती है इसके बीच में आके फंस जाता है। फिर ये जो मेंटल की नेक्रे सिक्रेटिंग सेल्स होती है वो क्या करती है, नेक्रे का सिक्रेशन करती है और इसके चारों तरफ एक नेक्रेशियस लेयर का फॉर्मेशन करती है। ये क्या करती है, ये नेक्रेशियस लेयर का फॉर्मेशन करती है जिसको मदर ऑफ पर्ल बोलते हैं। और इससे क्या होता है, ये पर्ल का फॉर्मेशन हो जाता है, पर्ल फॉर्म बाई सिक्रेशन अराउंड फॉरेन बॉडी। तो ये जो भी फॉरेन बॉडी होती है जो जो कि पानी के साथ आती है और वो यहाँ मेंटल और शेल की जो लेयर होती है उसके बीच में फंस जाती है। फिर ये जो मेंटल की नेक्रे सिक्रेटिंग सेल्स होती है वो क्या करती है, इसके चारों तरफ नेक्रेशियस लेयर का फॉर्मेशन करती है जिसको मादर ऑफ पर्ल बोलते हैं। और फिर उससे क्या हो जाता है, पर्ल का फॉर्मेशन हो जाता है। फिर ये जो मेंटल कैविटी होती है उसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं वो देखते हैं। ये क्या होता है, ये आप देख रहे हैं क्या है, विसरल हम्प होता है। ये क्या है, विसरल हम्प होता है और इसमें डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी और एक्सक्रीटरी ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। फिर उसके बाद में फुट प्रेजेंट होता है जिसकी हेल्प से ये मूवमेंट करता है। ये क्या है, फुट प्रेजेंट है। फिर लेबियल पेल्प्स प्रेजेंट होते हैं। ये क्या है, लेबियल पेल्प्स हैं और ये क्या करते हैं, जो माउथ होता है उसका अपर और लोअर लिप का फॉर्मेशन करते हैं, एज ए अपर और लोअर लिप के जैसे काम करते हैं ये लेबियल पेल्प्स। और फिर क्या होता है, माउथ प्रेजेंट होता है और इसमें क्या होता है, गिल्स प्रेजेंट होते हैं। और गिल्स में भी क्या होता है, इनर गिल लैमिला होता है और ये आउटर गिल लैमिला होता है। अभी इसका गिल का स्ट्रक्चर अपन डिटेल में आगे पढ़ेंगे। और इसमें ये क्या होता है, जो मेंटल होता है वो उसमें दो लोब होते हैं, एक तो लेफ्ट लोब और एक राइट लोब। और लेफ्ट और राइट लोब के बीच में, इन दोनों के लोब के बीच में जो जो कैविटी इनक्लोज होती है उसको क्या बोलते हैं, मेंटल कैविटी या पेलियल कैविटी बोलते हैं। और ये अपन ने देखा था शेल की दो वॉल होती है, राइट शेल वॉल है इनहेलेंट साइफन अपन ने देखा था जिससे वाटर करंट एंटर करेगा, ये एक्सहेलेंट साइफन है जिससे वाटर करंट उसकी बॉडी से बाहर एक्सिट करेगा। फिर ये पोस्टीरियर एडेक्टर मसल है और पोस्टीरियर रिट्रैक्टर मसल है। फिर अपन ने देखा था ये हिंज टूथ होते हैं, ये विसरल हम्प है, ये हिंज लिगामेंट है, ये अम्बो है, ये हिंज टूथ है और एंटीरियर रिट्रैक्टर मसल, एंटीरियर अबडक्टर मसल है और ये एंटीरियर प्रोटेक्टर मसल है। तो ये सारे स्ट्रक्चर अपन पिछले वीडियो में डिटेल में पढ़ चुके हैं, तो ये सारे स्ट्रक्चर इसमें भी प्रेजेंट होंगे। और इसमें क्या होता है, ये जो मेंटल कैविटी होती है इसमें माउथ प्रेजेंट होता है, फूड प्रेजेंट होता है और लेबियल पैल्प प्रेजेंट होता है और विसरल हम प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट इसका रेस्पिरेशन देखते हैं। इसमें जो रेस्पिरेशन होता है वो एक्वेटिक होता है, वाटर की हेल्प से होता है। फिर इसमें जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है वो टिनेडिया होता है, जो जिसको गिल्स भी बोलते हैं। और थोड़ी बहुत जो रेस्पिरेशन होती है वो मेंटल के थ्रू भी होती है। तो इसके गिल का स्ट्रक्चर देखते हैं, इसमें दो गिल्स प्रेजेंट होती है और ये जो दोनों गिल्स होती है, ये जो फुट है इसके दोनों साइड पे क्या होंगे, एक एक गिल्स प्रेजेंट होंगे। ये देख रहे हैं आप, ये क्या है, फूट है और ये इसके दोनों तरफ क्या है, दो गिल्स प्रेजेंट है। और ये जो गिल्स होते हैं इनमें क्या होते हैं, फोल्ड होते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये क्या है, फोल्ड्स हैं, आप देख रहे हैं ये क्या है, फोल्ड्स हैं। और इन फोल्ड्स को क्या बोलते हैं, लेमिना बोलते हैं। इन फोल्ड्स को क्या बोलते हैं, लेमिना बोलते हैं। और इन फोल्ड्स के अंदर फर्दर क्या होते हैं, लेमिले प्रेजेंट होते हैं। ये जो देख रहे हैं आप, ये क्या है, लेमिले है, इनर लेमिला ऑफ इनर गिल लेमिना। तो लेमिना के अंदर भी क्या होते हैं, लेमिला होते हैं। ये क्या है, लेमिला है और लेमिला के बाहर क्या है, लेमिना है। तो जो फोल्ड, जो गिल फोल्ड फोल्ड होता है और उससे क्या बनेगा, लेमिना बनेगा। और लेमिना के अंदर क्या होता है, लेमिला होता है। और यही सेम लेमिना और लेमिला इस तरफ होंगे, तो दोनों तरफ क्या होते हैं, लेमिना और लेमिला होते हैं। फिर जो गिल्स होते हैं वो फर्दर फ्यूज़ होकर किसका फॉर्मेशन करते हैं, गिल फिलामेंट्स का फॉर्मेशन करते हैं। फिर ये जो लेमिना होता है उसके ऊपर जो चैम्बर होते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, सुप्रा ब्रैंकियल चैम्बर बोलते हैं। और इसके जो नीचे होगा उसको अपन क्या बोलते हैं, इन्फ्रा ब्रैंकियल चैम्बर ऑफ मेंटल कैविटी।
तो ये जो लेमिना होता है उसके नीचे जो चैम्बर होता है उसको क्या बोलते हैं, इंफ्रा ब्रैंकियल चैम्बर, और उसके ऊपर होगा उसको क्या बोलते हैं, सुप्रा ब्रैंकियल चैम्बर। और लेमिना होता है और उसके अंदर क्या होते हैं, दो लेमेले प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट इनके गिल में एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको गिल फिलामेंट बोलते हैं। ये क्या है, जो ये स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ये क्या है, गिल फिलामेंट है। ये वर्टिकल गिल फिलामेंट है जैसे आप देख रहे हैं, क्या है, गिल फिलामेंट है। और गिल फिलामेंट में क्या प्रेजेंट होते हैं, पोर्स प्रेजेंट होते हैं। ये क्या होते हैं, पोर्स प्रेजेंट होते हैं। ये देखिए क्या है, पोर्स हैं जिनको क्या बोलते हैं, ओस्टिया बोलते हैं। और ये काइटिन की रोड्स प्रेजेंट होती है। ये गिल फिलामेंट में क्या होती है, काइटिन की रोड्स प्रेजेंट होती है। और क्या प्रेजेंट होते हैं, ये ओस्टिया प्रेजेंट होते हैं। और ये जो अपन ने देखा था कि जो लेमिना होता है उसमें क्या होता है, लेमेला होते हैं, इनर लेमेला होता है और आउटर लेमेला होता है। तो ये जो इनर और आउटर लेमेला है वो दोनों कनेक्ट किसकी हेल्प से होते हैं, इंटर लेमेला जंक्शन। ये क्या दिख रहा है, इंटर लेमेला जंक्शन जो क्या करता है, इनर और आउटर लेमेला को कनेक्ट करता है। फिर इसमें क्या होते हैं, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। और ये जो कैविटी है इसको क्या बोलते हैं, वाटर ट्यूब बोलते हैं। और ये क्या होते हैं, इसमें काइटिन के रोड्स और ओस्टिया प्रेजेंट होता है। ये जो गिल्स होते हैं वहाँ पे अपने देखा था, गिल फिलामेंट होता है वहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, काइटिन की रोड प्रेजेंट होती है, ये दिख रहा है। और उसमें तीन तरह के सीलिया प्रेजेंट होते हैं जो वाटर मूवमेंट में हेल्प करते हैं। एक तो जो होते हैं सबसे ऊपर वो क्या होते हैं, फ्रॉन्टल सीलिया होते हैं। फिर जो लेटरल साइड में होते हैं और थोड़े फ्रंट साइड में होते हैं उनको क्या बोलते हैं, लेटरो फ्रॉन्टल सीलिया बोलते हैं। और एक थर्ड टाइप के जो सीलिया होते हैं वो लेटरल साइड में होते हैं उनको क्या बोलते हैं, लेटरल सीलिया बोलते हैं। तो ये अभी अपन को इनका जो वाटर का मूवमेंट हो रहा है, जो प्रोसेस हो रही है वो समझने में हेल्प करेगा। तीन तरह के सीलिया हैं ये याद रखना, फ्रंटल सीलिया होते हैं, लेटरो फ्रंटल सीलिया होते हैं और ये लेटरल सीलिया होते हैं। जो वाटर के साथ इसकी बॉडी में ऑक्सीजन डिजॉल्व होकर आएगी उसको ये यूज़ कर लेगा। और जो भी एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल होगा ये वाटर करंट के थ्रू, इस एक्सक्रेंट साइफन के थ्रू बाहर एग्जिट कर देगा, ये एक्सक्रीट कर देगा। तो सबसे पहले इसकी प्रोसेस समझने के लिए वाटर करंट की प्रोसेस देखते हैं। सबसे पहले इन करंट साइफन के थ्रू ये जो वाटर करंट है वो इंफ्रा ब्रैंकियल चैम्बर में आएगा। अपन ने अभी पिछले वीडियो में देखा था इंफ्रा ब्रैंकियल चैम्बर और सुप्रा ब्रैंकियल चैम्बर। तो सबसे पहले इंफ्रा ब्रैंकियल चैम्बर में आएगा। फिर उसके बाद में अपन ने देखा था इसमें क्या होते हैं, जो गिल फिलामेंट होते हैं वहाँ पे पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको अपन ने क्या बोला था, ओस्टिया बोला था। तो यहाँ पे क्या होते हैं, ये पोर्स प्रेजेंट होते हैं, ओस्टिया। तो इनके थ्रू वाटर कहाँ पहुँच जाएगा, वाटर ट्यूब में पहुंच जाएगा। अपन ने देखा था ये जो कैविटी प्रेजेंट थी ऐसे उसको अपन ने क्या बोला था, वाटर ट्यूब बोला था। तो वाटर ट्यूब में चला जाएगा, फिर वाटर ट्यूब से इधर पास हो जाएगा ये सुप्रा ब्रैंकियल चैम्बर में। ये जो ऊपर चैम्बर प्रेजेंट है उसको क्या बोला है, सुप्रा ब्रैंकियल चैम्बर। तो सुप्रा ब्रैंकियल चैम्बर में पहुँच जाएगा, फिर सुप्रा ब्रैंकियल चैम्बर से ये क्या करेगा, इधर एक्सकरेंट साइफन से बाहर क्या हो जाएगा, एग्जिट हो जाएगा। तो सबसे पहले जो वाटर करंट है वो इन करंट साइफन से इन्फ्रा ब्रैंकियल चैम्बर में आएगा, फिर उसके थ्रू ओस्टिया से होता हुआ, वाटर ट्यूब से होता हुआ ये सुप्रा ब्रैंकियल चैम्बर है उससे होते हुए बाहर एक्सकरेंट साइफन से बाहर चला जाएगा। तो ये अपन इसकी रेस्पिरेशन देखने से पहले फ़िल्टर फीडर मैकेनिज्म की स्टडी करते हैं। फ़िल्टर फीडर मैकेनिज्म भी इसी वाटर करंट की हेल्प से होता है। और फ़िल्टर फीडर मैकेनिज्म से ये क्या करता है, फीड करता है। अपना जो खाना लेगा वो किस प्रोसेस से लेगा, फ़िल्टर फीडर मैकेनिज्म से लेगा। और उसमें क्या होता है, जो भी खाना आएगा उसको ये क्या करता है, फ़िल्टर करता है। तो उसी प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, फ़िल्टर फीडर मैकेनिज्म। अब देखते हैं कि ये जो खाना होता है वो कैसे फ़िल्टर करता है। इसमें ये जो वाटर करंट इन करंट साइफन के थ्रू अंदर एंटर होता है वो इधर जो फूड ग्रुप होता है उससे एंटर होते हुए कहाँ पहुँच जाएगा, ये जो फूड ग्रुप के थ्रू जो पानी में स्मॉल पार्टिकल आएंगे वही इसकी बॉडी में क्या होंगे, आगे लेबियल पैल्प इसके माउथ तक पहुँचेंगे। और जो बड़े पार्टिकल होंगे वो अंदर एंटर ही नहीं होंगे। जो ये इन करंट साइफन से क्या होगा, ये जो फूड ग्रूव है उसमें फूड के जो स्मॉल पार्टिकल है वो कहाँ पहुँचेंगे, ये लेबियल पैल्प जो माउथ के ऊपर प्रेजेंट होता है ऊपर और नीचे, वहाँ ये लेबियल पैल्प में पहुँचेंगे। और लेबियल पैल्प के पास भी एक प्रोसेस होती है, वो क्या करता है, जो भी खाने के पार्टिकल्स आते हैं उनको सॉर्ट आउट करता है, मतलब उसमें से छांटता है। और छांट के क्या करता है, जो बड़े पार्टिकल होते हैं जो जिनको ये इंटेक इसको इंटेक नहीं करना, वो क्या करते हैं, ये रिजेक्शन पाथ देख रहे हैं आप, ये क्या होता है, रिजेक्शन पाथ होता है। ये क्या करते हैं, लेबियल पैल्प उस खाने को परे छिटक देते हैं, उससे क्या हो जाते हैं, ये इस कैविटी में आ जाते हैं। और इस कैविटी से वापस ये बाहर क्या हो जाएंगे, वाटर करंट की हेल्प से बाहर क्या हो जाएंगे, एग्जिट हो जाएंगे। तो ये आप देख रहे हैं ये क्या होंगे, जो फूड पार्टिकल वाटर करंट के साथ अंदर फूड ग्रुप में आएगा और ये जो लेबियल पैल्प होता है वो भी क्या करता है, खाने को सॉर्ट आउट करता है। तो बड़े पार्टिकल वो छिटक देगा, वो वापस क्या हो जाएंगे, उसके बॉडी से बाहर निकल जाएंगे। और इसमें जो प्रोसेस होता है वो कैसे होता है, अपन ने देखे थे इसमें क्या होते हैं, जो गिल फिलामेंट थे उस अभी पीछे अपन ने देखा था उसमें क्या थे, लेटरल सीलिया प्रेजेंट थे। तो पानी जैसे इसका एक इन करंट साइफन से पानी का, जब इन करंट साइफन से पानी अंदर आता है तो अपन ने देखा था क्या प्रेजेंट होते हैं, लेटरल सीलिया प्रेजेंट है यहाँ पे। तो वो लेटरल सीलिया का मूवमेंट कैसे होगा, इधर से इधर की तरफ होगा। लेटरल सीलिया का मूवमेंट कैसे होगा, इधर की इधर इधर से इस तरफ होगा। तो इन करंट साइफन के साथ जो फूड के बड़े पार्टिकल इसके बॉडी में एंटर हो रहे हैं वो क्या होंगे, वो जो लार्ज फूड पार्टिकल हैं वो लेटरल सीलिया उनको बाहर ही क्या कर लेगा, रोक लेगा। फिर जो स्मॉल पार्टिकल हैं वो इसकी मेंटल में एंटर होंगे,
फिर क्या होते हैं, ये जो गिल्स होते हैं वो म्यूकस का सिक्रेशन करते हैं। गिल्स क्या होते हैं, अपने देखा था उसमें म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स प्रेजेंट होती है, वो म्यूकस का सिक्रेशन करते हैं। तो जो खाना अंदर आया वो ये जो म्यूकस सिक्रेट कर रहे हैं ये जो गिल्स, उन वो उस म्यूकस के साथ यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो खाना है वो अटैच हो जाएगा। फिर अटैच होने के बाद में क्या होते हैं, आगे अपन ने देखे थे उसमें क्या होते हैं, और सीलिया प्रेजेंट होते हैं। तो वो सीलिया के मूवमेंट से जो खाना है वो यहाँ लेबियल पल्प में पहुँच जाएगा, और लेबियल पल्प पे भी क्या होता है, जो खाने को सॉर्ट आउट करने का प्रोसेस होता है। तो जो बड़े पार्टिकल या जो जिनको इसको रिजेक्ट करना है, नहीं खाना, वो क्या करेगा, इनको परे छिटक देगा, इस रिजेक्शन पाथ से वो इसके बॉडी से बाहर एग्जिट हो जाएंगे। ये अपने फिल्टर फीडर मैकेनिज्म देखा। अब रेस्पिरेशन का प्रोसेस देखते हैं, इसमें गिल फिलामेंट में सीलिया प्रेजेंट होते हैं, वो क्या करेंगे, उन सीलिया के मूवमेंट से ये इन करंट साइफन से वाटर जो होगा वो अंदर आएगा। फिर ये जो लेटरल सीलिया होते हैं उनकी हेल्प से ये जो क्या करेगा, वाटर इधर ऑस्ट्रिया के थ्रू वाटर ट्यूब में एंटर हो जाएगा, और इधर कहाँ पहुँच जाएगा, सुपर ब्रैंकियल चैम्बर में पहुँच जाएगा, और फिर वो ये एक्सक्रीमेंट साइफन से बाहर चला जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, जो पानी जो साथ लेके आएगा उसके साथ जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है वो गिल्स में क्या हो जाएगी, यूज़ हो जाएगी, और फिर ये सुपर ब्रैंकियल से बाहर एक्सक्रीमेंट साइफन से ये पानी बाहर एग्जिट आउट हो जाएगा। और इसके साथ जो भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं वो भी क्या होंगे, इस पानी के साथ क्या होंगे, इधर पानी के साथ बाहर इसकी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएंगे। तो ये जो वाटर करंट है वो क्या क्या काम कर रहा है, एक तो ऑक्सीजन की सप्लाई कर रहा है बॉडी को, और ये जो अपन ने देखा ये रिजेक्शन पाथ है लेबियल पल्प की हेल्प से क्या कर रहे हैं, खाने को भी इसके माउथ तक पहुंचा रहे हैं, और फिर ये जो भी इसके बॉडी में जो एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल है उसको ये इधर एक्सक्रीमेंट साइफन से बाहर वाटर करंट के साथ क्या कर रहा है, एक्सक्रीमेंट साइफन के बाहर इसकी बॉडी से बाहर एक्सक्रीट कर रहा है। तो ये वाटर करंट के तीन इसके फंक्शन है। नेक्स्ट इसका डाइजेशन देखते हैं। अभी पिछले थोड़ी देर पहले अपन ने देखा था उसमें क्या हो रहा था, फिल्टर फीडर मैकेनिज्म से और ये जो लेबियल पल्प है उसकी हेल्प से खाना इसके माउथ तक पहुंच गया। अब इसके आगे की प्रोसेस देखते हैं, खाना इसके माउथ तक पहुंच गया, अब माउथ से फिर फर्दर माउथ कहाँ ओपन होता है, ईसोफेगस में। और ईसोफेगस क्या होता है, सिर्फ ये एक कनेक्टिंग लिंक होता है माउथ और स्टमक के बीच में। फिर ईसोफेगस किस में ओपन होगा, स्टमक में ओपन होगा। इसमें स्टमक में क्या होते हैं, दो पार्ट्स होते हैं इसके, एक तो डोर्सल पार्ट होता है, एक वेंट्रल पार्ट होता है। और जो स्टमक का डोर्सल पार्ट होता है तो स्टमक के ऊपर ये क्या आप देख रहे हैं, क्या होती है, डाइजेस्टिव ग्लैंड प्रेजेंट होती है। और ये जो डाइजेस्टिव ग्लैंड ओपन होगी वो कहाँ होगी, ये जो स्टमक का डोर्सल पार्ट है वहाँ पे ही इसकी डाइजेस्टिव ग्लैंड की दो ट्यूब्स ओपन होती हैं, और वो डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट करती हैं जो डाइजेशन में हेल्प करती हैं। फिर इसका जो वेंट्रल पार्ट होता है उसमें क्या होता है, स्टाइल सैक प्रेजेंट होता है, जो क्या सीक्रेट करते हैं, अमाइलेज और ग्लाइकोजेनेज एंजाइम का सीक्रेशन करते हैं। फिर ये जो स्टमक है वो फर्दर किस में ओपन होता है, इंटेस्टाइन में ओपन होता है, और इसका इंटेस्टाइन होता है वो क्या होता है, कॉइल्ड होता है। और ये जो इसका यहाँ पे अपन ने देखा था क्या होता है, फूड प्रेजेंट होता है, तो ये फूड में एम्बेडेड रहता है, और इंटेस्टाइन में कोई डाइजेशन नहीं होता, ये सिर्फ क्या करता है, फीकल पैलेट्स का फॉर्मेशन करता है। फिर इंटेस्टाइन किस में ओपन होता है, रेक्टम में ओपन होता है, और रेक्टम फिर लास्ट में किस में ओपन हो जाता है, एनस में ओपन हो जाता है। इसका नर्वस सिस्टम देखते हैं, इसके नर्वस सिस्टम में तीन टाइप के गैंग्लिया प्रेजेंट होते हैं, गैंग्लिया या ब्रेन। और ये जो गैंग्लिया होते हैं वो क्या होते हैं, नर्व्स का कलेक्शन होता है, नर्व्स के कलेक्शन को क्या बोलते हैं, गैंग्लिया बोलते हैं। और इसमें तीन तरह के गैंग्लिया प्रेजेंट होते हैं, एक तो क्या होता है ये देख रहे हैं आप, सेरेब्रल गैंग्लिया होते हैं, और एक क्या होता है ये पैडल गैंग्लिया होता है, और एक क्या होता है विसरल गैंग्लिया होता है। तो इसमें तीन गैंग्लिया प्रेजेंट होते हैं, और गैंग्लिया क्या होते हैं, नर्व्स के कलेक्शन को क्या बोलते हैं, गैंग्लिया बोलते हैं। एक सेरेब्रल गैंग्लिया प्रेजेंट होता है, एक पैडल गैंग्लिया प्रेजेंट होता है, और एक विसरल गैंग्लिया होता है। फिर इसमें क्या होते हैं, कमिश्वर्स और कनेक्टिव्स होते हैं। कमिश्वर्स और कनेक्टिव्स क्या होते हैं, कमिश्वर क्या करते हैं, जो सेम टाइप के गैंग्लिया होते हैं उनको कनेक्ट करते हैं, और कनेक्टिव्स क्या होते हैं, जो डिफरेंट टाइप के गैंग्लिया होते हैं उनको कनेक्ट करते हैं। तो ये अपन देखते हैं इसमें क्या होते हैं, सेरेब्रो पैडल कनेक्टिव है। ये सेरेब्रो पैडल कनेक्टिव क्या कर रहे हैं, दो डिफरेंट टाइप के जो गैंग्लिया है उनको कनेक्ट कर रहे हैं। नाम क्या है इसका, कनेक्टिव। तो कनेक्टिव क्या होते हैं, जो डिफरेंट टाइप के जो गैंग्लिया होते हैं उनको जो कनेक्ट करते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, कनेक्टिव बोलते हैं। और इसमें ये सेरेब्रल और पैडल गैंग्लिया को कनेक्ट कर रहे हैं, तो ये सेरेब्रो पैडल कनेक्टिव है। फिर उसके बाद में ये सेरेब्रल और विसरल को गैंग्लिया को कनेक्ट कर रहे हैं, तो ये सेरेब्रो विसरल कनेक्टिव है। फिर क्या होते हैं, इसमें कमिश्वर्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे ये सेरेब्रल कमिश्वर है जो क्या करता है, ये सेरेब्रल गैंग्लिया को कनेक्ट कर रहे हैं, सेम ही गैंग्लिया को कनेक्ट कर रहे हैं, तो वो क्या होते हैं, कमिश्वर होते हैं। तो ये क्या है, सेरेब्रल कमिश्वर है। फिर ये क्या है, सेरेब्रो विसरल कनेक्टिव अपन ने देख लिया, जो डिफरेंट सेरेब्रो और विसरल गैंग्लिया को कनेक्ट कर रहे हैं वो क्या होते हैं, सेरेब्रो विसरल कनेक्टिव होते हैं। फिर इसमें कुछ सेंस ऑर्गन होते हैं, हालांकि इसमें जो सेंस ऑर्गन होते हैं वो वेल डेवलप नहीं होते, बट इसमें कुछ होते हैं, जैसे ऑस्फ्रिडियम होते हैं जो गिल्स के बेस पे प्रेजेंट होते हैं, स्टेटोसिस्ट होते हैं जो इसके फूड पे प्रेजेंट होते हैं, जो बैलेंस और पोस्चर मेंटेन करने में हेल्प करते हैं, और कुछ फोटोरिसेप्टर सेल्स होते हैं जो इसके साइफन पे प्रेजेंट होते हैं। इसका जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है वो किडनी होता है, और किडनी को क्या बोलते हैं, ऑर्गन ऑफ बोजनस भी बोलते हैं। और इसमें जो दूसरा एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है वो क्या होता है, केवर्स ऑर्गन होता है। ये जो किडनी होती है इसमें भी क्या होते हैं, दो पार्ट्स होते हैं, एक तो यूरेटर ब्लैडर होता है, और यूरेटर होता है जिसको ब्लैडर भी बोलते हैं, और एक किडनी प्रॉपर होता है। जो यूरेटर होता है वो रेनल अपर्चर के थ्रू इस पेरिकार्डियल कैविटी में ओपन होता है, और जो किडनी प्रॉपर होता है वो
रेनो पेरिकार्डियल अपर्चर के थ्रू इस पेरिकार्डियम फ्लूइड में ओपन होता है। फिर पेरिकार्डियल फ्लूइड से अपन ने देखा वाटर करंट की हेल्प से जो एक्सक्रीटिव मटेरियल होता है वो एक्सहेलेंट जो साइफन होता है उसे बाहर एक्सक्रीट हो जाता है। और केबन ऑर्गन भी क्या होता है, ये पेरिकार्डियम में ओपन होता है और क्या करता है, ये ग्वेनिन को एक्सक्रीट करता है। और इसमें जो एक्सक्रीटरी मटेरियल होता है वो क्या होता है, ग्वेनिन और अमोनिया होता है। इनका सर्कुलेटरी सिस्टम देखते हैं, इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो ओपन टाइप का होता है जिसमें हार्ट प्रेजेंट होता है, आर्टरीज प्रेजेंट होती हैं, आर्टरीज के साथ साथ वेन्स प्रेजेंट होती हैं और साइनस प्रेजेंट होता है इनमें। जो कैपिलरीज होती हैं वो क्या होती हैं, एब्सेंट होती हैं। और जो इनका ब्लड होता है उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन की जगह क्या प्रेजेंट होता है, हीमोसाइनिन पिगमेंट प्रेजेंट होता है, जिनकी वजह से इनका जो ब्लड का कलर होता है वो क्या होता है, ब्लूइश होता है। और इनमें ब्लड में जो कॉर्पसल्स प्रेजेंट होती है वो कौन सी होती है, ल्यूकोसाइट्स प्रेजेंट होती हैं और अमीबोसाइट्स प्रेजेंट होती हैं। और इनका जो हार्ट होता है वो उसमें क्या होते हैं, तीन चैम्बर होते हैं। और ये जो तीन चैम्बर होते हैं उनमें से एक जो होता है वो वेंट्रिकल होता है और दो ऑरिकल प्रेजेंट होते हैं। और ये जो वेंट्रिकल और ऑरिकल को जो कनेक्ट करती है, उस ऑरिकल को वेंट्रिकल से जो कनेक्ट करती है वो क्या होती है, ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर अपर्चर। ये अपर्चर क्या करता है, वेंट्रिकल को ऑरिकल से कनेक्ट करता है। तो ये अपने देखा इसके हर्ट में क्या होते हैं, तीन चैम्बर होते हैं और इसमें क्या होता है, पेरिकार्डियम प्रेजेंट होता है जिसमें क्या होता है, पेरिकार्डियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। फिर इनके वेंट्रिकल्स की बात करते हैं, इनमें क्या होता है, एक वेंट्रिकल होता है और वेंट्रिकल से क्या होता है, वेंट्रिकल से क्या निकलेंगी, आर्टरीज निकलेंगी जो क्या करेगी, ये आर्टरीज क्या करेगी, ब्लड को हार्ट से लेके जाए, हार्ट से आर्टरीज के थ्रू ब्लड पूरी बॉडी में सप्लाई होगा। तो वेंट्रिकल से क्या निकलेंगी, आर्टरीज निकलेंगी। और ये इस वेंट्रिकल से दो आर्टरीज निकलती हैं, कौन कौन सी आर्टरी निकलती हैं, एंटीरियर अओर्टा और एक पोस्टीरियर जो पोस्टीरियर बॉडी को सप्लाई करेगी और एंटीरियर जो एंटीरियर बॉडी को सप्लाई करेगी। ये दो आर्टरीज निकलती हैं हार्ट से, उसके वेंट्रिकल से कौन कौन सी, एंटीरियर अओर्टा और पोस्टीरियर अओर्टा। अब ये जो एंटीरियर अओर्टा होती है इससे फर्दर कौन सी आर्टरीज निकलती हैं, विसरल आर्टरी जो विसरल ऑर्गन को सप्लाई करेगी, पैडल आर्टरी जो इसके फूड को सप्लाई करेगी, फिर जो थर्ड होती है वो है एंटीरियर पेलियल आर्टरी जो पेलियल कैविटी को ब्लड सप्लाई करेगी। और ये जो विसरल आर्टरी है ये क्या करती है, इसके विसरल ऑर्गन को ब्लड सप्लाई करती है। और इसके ये जो विसरल ऑर्गन कौन से हुए, इसके जो जेनाइटल्स होते हैं उनको सप्लाई करेगी, कौन से करेगी, जेनाइटल आर्टरी सप्लाई करेगी। फिर इसके स्टमक को, इसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसको सप्लाई करेगी गैस्ट्रिक आर्टरी, फिर हिपैटिक आर्टरी होती है, फिर उसके बाद में क्या होती है, इंटेस्टाइनल आर्टरी होती है। तो ये अपन ने देखे इसके वेंट्रिकल से दो आर्टरीज निकलती है एंटीरियर और पोस्टीरियर, एंटीरियर भी फर्दर उसमें तीन होती है विसरल पैडल और एंटीरियर पेलियल। जो विसरल होती है वो जेनाइटल गैस्ट्रिक और हेपेटिक और इंटेस्टाइनल आर्टरीज के द्वारा इनके जो विसरल ऑर्गन्स होते हैं उनको ब्लड सप्लाई करती है, पैडल आर्टरी फूड को सप्लाई करेगी और एंटीरियर पेलियल आर्टरी इसके पेलियल कैविटी को ब्लड का सप्लाई करेगी। फिर ये जो पोस्टीरियर आर्टरी है, पोस्टीरियर जो अओर्टा है वो किसको सप्लाई करेगी, पेरिकार्डियल आर्टरी होती है जो पेरिकार्डियल कैविटी में ओपन होगी। फिर रेनल आर्टरी होती है जो इनकी किडनी को ब्लड सप्लाई करेगी। फिर रेक्टल आर्टरी होती है जो रेक्टम को ब्लड सप्लाई करेगी। फिर क्या होती है, पोस्ट पेलियल आर्टरी होती है जो इसके पेलियल कैविटी को ब्लड सप्लाई करेगी। तो ये अपने देखा इसके पोस्टीरियर पार्ट, बॉडी के पोस्टीरियर पार्ट में ये चार आर्टरीज ब्लड को सप्लाई करती है। तो ये अपने देखे वेंट्रिकल। अब क्या होते हैं, जो ये ब्लड तो सप्लाई हो गया, अब ये जो ब्लड सप्लाई हुआ है उनको वो वापस कलेक्ट भी होगा, वो किसके थ्रू होगा, वेन्स के थ्रू होगा। और जो वेन्स के थ्रू होगा, और ये जो वेन्स होती है इसमें दो तरह की वेन्स होती है, कौन कौन सी होती है, एक तो विसरल वेन होती है और क्या होता है, पैडल वेन होती है। दो तरह की वेन होती हैं जो इन ऑर्गन से क्या करेगी, जो आर्टरी ने ब्लड सप्लाई किया उस ब्लड को, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को यहाँ से हार्ट को सप्लाई करेगी। और ये विसरल वेन और पैडल वेन फिर फर्दर क्या हो जाती है, वेना कावा में मिल जाती है और वेना कावा से वो किडनी को ब्लड सप्लाई करेगी, किडनी फिर गिल को करेगा, फिर गिल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आएगा, हार्ट में आएगा। तो ये जो विसरल वेन अपन ने देखा, विसरल वेन कहाँ से ब्लड कलेक्ट करेगी, ये जो विसरल आर्टरी ने जिन जिन ऑर्गन को ब्लड सप्लाई किया ये विसरल वेन उन्हीं उन्हीं ऑर्गन से क्या करेगी, ब्लड का वापस क्या करेगी, कलेक्ट करेगी। तो ये बने देखा विसरल वेन, और ये जो पैडल वेन नाम से पता चल रहा है, पैडल आर्टरी ने फूड को सप्लाई किया तो पैडल वेन क्या करेगी, फूड से
ये इसका जो फूट होता है, पांव होता है, उससे क्या करेगी, ब्लड को कलेक्ट करेगी। फिर अपन को बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये, अब बताया कि नाम से पता चल रहा है, वेस्टर्न आर्टरी जिन जिनको सप्लाई किया, वेस्टर्न वेन, उनसे कलेक्ट करेगी, पैडल वेन फूट से ब्लड कलेक्ट करेगी, और ये फिर दोनों केस में ओपन हो जाएगी, वेना कावा में ओपन हो जाएगी। फिर ये वेना कावा फर्दर किस में ओपन होता है, विद द हेल्प ऑफ एफरेंट रेनल वेन। किस में ओपन होगा, ये किडनी में ओपन होता है, किडनी को ओपन, और दूसरा नाम क्या बोलता है, ऑर्गन ऑफ बोजेनस। और किडनी में जो नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल होगा वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। फिर किडनी से जो जो वेन निकलेगी उसको अपन क्या बोलते हैं, जो किसी भी ऑर्गन में जो ये में वाले जो ऑर्गन है, इसको ब्लड जो लेके आती है, वो कौन सी आर्टरी या वेन होती होगी, उसको अपन एफरेंट बोलेंगे। एफरेंट आर्टरी बोल दें, एफरेंट वेन बोल दो, और इस ऑर्गन से जो ब्लड वापस लेके जाएगी उसको अपन क्या बोलते हैं, एफरेंट बोलते हैं। एफरेंट वो वेन भी हो सकती है या एफरेंट आर्टरी भी हो सकती है। तो इसको जो ब्लड लेके आई वो कौन सी होगी, एफरेंट होगी, और ब्लड इससे जो लेके जाएगी वो कौन सी होगी, इफरेंट होगी। तो ये कौन सी हो जाएगी, इफरेंट रेनल वेन हो जाएगी। फिर ये ब्लड कहाँ जाएगा, ये गिल्स में जाएगा, टीनेडिया में जाएगा, बट इसमें जो गिल्स को ब्लड सप्लाई करेगी वो कौन सी करेगी, एफरेंट। अभी अपने देखा था जो ऑर्गन को ब्लड लेके जाती है वो कौन सी होती है, एफरेंट होती है। तो एफरेंट एफरेंट टीनेडियल वेन होगी जो गिल्स को ब्लड सप्लाई करेगी। फिर यहाँ गिल में क्या होगा, ब्लड का ऑक्सीजनेशन होगा, ब्लड का ऑक्सीजनेशन होगा, जिसमें जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट होगा। फिर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड निकलेगा किसकी हेल्प से, एफरेंट टीनेडियल वेन की हेल्प से। और फिर ये कहाँ जाएगा, हार्ट में जाएगा। फिर हार्ट से ये वेंट्रिकल्स के थ्रू हार्ट में फिर कहाँ जाएगा, हार्ट के वेंट्रिकल्स में जाएगा। और वेंट्रिकल्स से फिर अपने देखा दो आर्टरीज निकलती है, एक तो एंटीरियर अओर्टा निकलता है और एक पोस्टीरियर अओर्टा निकलता है। और ये एंटीरियर अओर्टा से विसरल पैडल और विसरल निकलती है, पैडल निकलती है, और पेलियल आर्टरी निकलती है। ये फिर किस किस को, इसके विसरल ऑर्गन को, फूट को, और इसकी पेलियल कैविटी को सप्लाई करेगी। और पोस्टीरियर जो अओर्टा है वो पेरिकार्डियल, रेनल, रेक्टल और पोस्ट पेलियल को ब्लड सप्लाई करेगी। फिर इनमें से विसरल वेन और ये पैडल वेन निकलेंगी, जो इन ब्लड कलेक्ट करके लेके आएगी कहाँ, किडनी में, किडनी से फिर गिल्स में, फिर गिल्स से ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में आएगा। और ये ऐसे ये ब्लड का क्या होता रहेगा, पंपिंग होता रहेगा। तो ये अपने देखा इसका सर्कुलेटरी सिस्टम। नेक्स्ट इनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखते हैं। डाइशेज होता है, मेल और फीमेल जो होते हैं वो अलग अलग बॉडी में होते हैं। फिर जो मेल में वास डिफरेंस होता है, और फीमेल में जो ओविडक्ट होता है वो सुप्रा ब्रैंकियल चैम्बर में ओपन होता है, और विद द हेल्प ऑफ जेनाइटल अपर्चर। जेनाइटल अपर्चर की हेल्प से ये जो वास डिफरेंस और फीमेल में जो ओविडक्ट है वो सुप्रा ब्रैंकियल चैम्बर में ओपन होते हैं। फिर इनमें जो इनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कोई भी एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स नहीं होंगे। फिर जो स्पर्म होते हैं वो मेल बॉडी से एक्सपेल होते हैं, और फिर मेल बॉडी से एक्सपेल होके वो आउटगोइंग वाटर करंट के साथ एक्सेलेंट साइफन से बाहर निकल जाते हैं और पानी में तैरते रहते हैं। और फिर इन करंट साइफन के थ्रू जो वाटर फीमेल की बॉडी में जाता है, उसके थ्रू वो स्पर्म फीमेल की बॉडी में एंटर हो जाते हैं, और वहाँ पे जो स्पर्म और ओवा है उसका फर्टिलाइजेशन होता है। और वो जो फर्टिलाइजेशन होता है वो कहाँ होता है, आउटर गिल लेमिना में होता है। और जो फर्टिलाइजेशन होता है वो कहाँ होता है, आउटर गिल लेमिना में होता है। और फर्टिलाइजेशन से फिर क्या होता है, जो डेवलपमेंट होता है वो इनडायरेक्ट होता है। यहाँ पे एक ग्लोचिडियम लार्वल स्टेज आती है। ग्लोचिडियम का मतलब क्या होता है, पॉइंट ऑफ एन एरो। ग्लोचिडियम का मतलब क्या होता है, पॉइंट ऑफ एन एरो, एरो का जो पॉइंट लास्ट एंड पॉइंट हो वो। और ये ग्लोचिडियम में क्या क्या होते हैं, इसमें बाईवॉल्व शेल होता है जो फ्री, जो उसका जो वेंट्रल साइड होता है वहाँ से वो फ्री होता है, और उसके एंटीरियर साइड से वो एक अबडक्टर मसल की हेल्प से अटैच रहता है। फिर इसमें मेंटल प्रेजेंट होता है। फिर इसमें एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको क्या बोलते हैं, बाइसस थ्रेड बोलते हैं। और ये थ्रेड क्या करता है, ये इस लार्वा का फिश के साथ एंकर होने में हेल्प करता है, फिश से चिपकने में हेल्प करता है। और ये क्या होता है, ग्लोचिडियम लार्वा जब फॉर्म हो जाता है तो इसको बाहर बॉडी से एक्सपेल, इस ये क्या हो जाता है, ग्लोचिडियम लार्वा जब फॉर्म हो जाएगा तो इसको बाहर एक्सपेल कर दिया जाएगा। और ये बाहर क्या होता है, मूव भी नहीं कर सकता और फीड भी नहीं कर सकता। तो ये जो फ्रेश वाटर फिश होती है उसके कॉन्टैक्ट में आता है, फिर फिश पे ये एक्टो पैरासाइट के जैसे रहता है, उसकी बॉडी पे एज ए एक्टो पैरासाइट रहता है। और इसमें ये जो बाइसस थ्रेड होते हैं वो इसकी हेल्प करते हैं, जो फिश के गिल्स होते हैं उससे अटैच होने में। और ये फिश से, फिश के गिल्स से क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करता रहता है उसकी बॉडी से। और ये ऐसे उसकी फिश की, जो फ्रेश वाटर फिश है उसकी बॉडी पे 2 से 2.5 महीने के लिए एज ए एक्टो पैरासाइट रहता है। फिर जब ये उस पर रहते हुए फीड करता है, ग्रो करता है, फिर इसका मेटामॉर्फोसिस हो जाता है। तो ये वहाँ से क्या हो जाता है, ये जो सिस्ट का फॉर्मेशन करता है इसी दौरान, और वो सिस्ट क्या होता है, डिसॉल्व हो जाता है। और उसकी वजह से इसका ये जो बाइसस थ्रेड है वो अलग हो जाता है, और ये उसके अलग होने से ये गिर जाता है, और ये इसका जो बाइसस होता है वो डिसअपियर हो जाता है। इसमें जो सिंगल एब्डक्टर मसल है वो डबल में कन्वर्ट हो जाता है, और उसमें बाकी के भी जो स्ट्रक्चर है उनका क्या हो जाता है, फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये अपन ने देखा ग्लोचिडियम लार्वा।